गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोगों को कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करना है, लेकिन ठीक है, हमने डेली रूटीन व्लॉग आज स्टार्ट किया है क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स थे कि प्लीज मैम आप डेली रूटीन आपकी कैसी होती है उसको शेयर करो। सो आज वही लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। सो अभी है सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अब भी जस्ट ऑफिस से आए हैं। और क्या कर रहे हैं आप? टूथपेस्ट हो रहा है अभी, चाय नहीं दी है तूने, कुछ आया जैसे वैसे। अरे तो ये मैं आया, पानी आ गया था ना, नल आया था। मतलब हमारे यहाँ पे दो बार नल आता है, बोर भी चालू होती है और पीने के लिए पानी अलग से आता है, तो वो पानी भर रही थी मैं, फिर इसलिए नहीं हो पाया। और फिर ये ब्रश करने लग गए, अभी करने लगा। और हैंड वॉश का क्या किया? हैंड वॉश का क्या किया आप? हैंड वॉश खत्म हो गया है। हैंड वॉश खत्म हो गया था ना, अभी थोड़ा हमारा राशन खत्म होने लगा है, तो लेने भी जाना है आज। पास्ता बनाने की तैयारी चल रही है, मगर डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या बनाना है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, मतलब एक चीज है तो दूसरी चीज ही नहीं है। क्या है? अब जैसे कि ये खमन ढोकला है पर ये मेरा खाने का मन नहीं है। अच्छा। ये इडली है लेकिन ये थोड़ी सी बची है, और ये ओट्स भी है लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं आते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेरे को। ये सेवैया है लेकिन ये छोटी वाली है, बारीक वाली है, मतलब इसको हम अगर मीठा बनाएंगे तो वो मैं नहीं खा पाऊंगी, और अगर तेज बनाएंगे तो ये फिर वो एकदम से घाटा सी बन जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। और कुछ नहीं क्या बनाऊं और रवा उपमा बनाने का सोचा, और वो रवा है तो वो भी इतना सा है तो वो मैं ही खा लूंगी, तो ये क्या खाएंगे, तो बड़ी दिक्कत। मेरे लिए ओट्स बना ले, तेरे लिए रवा हलवा। मैं डबल डबल काम नहीं कर सकती, सॉरी, आई एम सॉरी। ये खा लो, खाना है अच्छी, खा लो, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या डिसाइड होता है। सत्तू है, सत्तू खाना है, उसमें भी शक्कर डली यार। सोचो गाइस अब क्या बनने वाला है। चाय फाइनली डिसाइड हो गया है, बनने वाला है खमन ढोकला प्लस राइस इडली। तो ये दोनों एक साथ बनाने वाली है, पता नहीं कैसे बनाने वाली है। और ये कितनी बेकार है पता है, नीचे से इसने छाछा लेके आया है इडली का, छाछा जो भी है, इसने अभी तक के दिया नहीं है यार। ये क्या लड़की है यार, किसी का सामान ला करके देती नहीं है। कंट्रोल, अपन बाहर ले गए थे बाहर, इसलिए दे नहीं पाई। ओके तो देना चाहिए ना, दे देंगे ना, मेरे घर के लोग हैं, दे देंगे कभी भी। मेरे घर के लोग हैं ऐसे में अगली बार कुछ देंगे ही नहीं, वो तेरे को देखना क्या मजा आ गया यार इसका। यार चार ही बन रही यार इसमें, ठीक है ना, दो आपकी दो मेरी। ओए तीन मेरी एक तेरी, नहीं भाई ज्यादा बात करी ना, तो चारों मेरी है ना भैया जी। नहीं 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 नहीं, हमको स्वाद नहीं है क्या, हमको जीभ नहीं है क्या, ज्यादा नहीं हो रहा है? हम नहीं खाएंगे क्या? नहीं तो तीन मेरी और एक तेरी, समझ। नाश्ता हो गया है तैयार, क्योंकि हम इसको सॉस के साथ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शक्कर खत्म हो गई है यार। इसका पानी बनाना था लेकिन बिना शक्कर के वो अच्छा नहीं लगता है, खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है इसे, लेकिन सॉस के साथ भी अच्छी लगती है, मैंने खाई है कई बार। यार गरीब हो गए यार, क्यों आप लोग नहीं खाते क्या सॉस के साथ, बताना जरा कमेंट्स में। यार गरीब हो गए यार, देखो हम सॉस के साथ खा रहे हैं यार, दुनिया खाती है, आप अकेले नहीं खा रहे हैं, सॉस के साथ खा रहे हैं। इसने मेरे इनको केचप में इडली पसंद नहीं आई, ढोकला पसंद नहीं आया, तो फिर इन्होंने मुझे ये दाल बनाने लगाई है, और अभी हम लोग खा रहे हैं दाल के साथ इडली। इसमें सांभर जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने नॉर्मल दाल बनाई है और उसके साथ हम लोग इडली खा रहे हैं। टेस्ट करना आप लोग भी, बड़ा यम्मी लगता है। कैसी बनी है? मत करना टेस्ट, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी लग रही, टेस्ट मत करना। तो चाय बन रही है, अभी बनी गई है ब्लैक टी, और अभी मैं हस्बैंड को देने वाली हूँ चाय। सो निकाल लेते हैं चाय को। सो गाइस चाय रेडी है, दे रही हूँ अपने हस्बैंड को, एंड इग्नोर प्लीज यार, चप्पल इग्नोर करना। लो हो गया ठीक? हाँ वाह यार, मतलब मेरे को तो लग रहा था कि हमको बाहर जाना पड़ेगा इसको ठीक करवाने के लिए, लेकिन ये थर्ड स्ट्रिंग टूट गया था तो इसको करवा लिया है सही मेरे हस्बैंड ने, थैंक यू।
अभी क्या कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो? हो गया? इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए इसको मैं ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के साथ साथ आज इसकी मैं लगाने वाला हूँ वैक्सीन, टच से टूचने वाली है। तो हम लोग जा रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल क्योंकि मुझे रेलवे से रेलवे हॉस्पिटल सुविधा है मिलती है फ्री में, इसलिए तो हम जा रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल। चलो अब इसकी वैक्सीन देखते हैं और हॉस्पिटल में फिर। गाइस हम लोग निकल गए हॉस्पिटल से और हॉस्पिटल भी हो गया है बंद। अब हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, तो रेलवे हॉस्पिटल के जस्ट पीछे साइड में ही है वैक्सीन लगवाने। तो तू कुछ बोलेंगी? वैक्सीन लगवाते हैं, देखते हैं। मैंने तो आज क्या किया है, फुल स्लीव्स पहने हैं तो पता नहीं, हो सकता कि ना लगवाए। ना लगवाए नहीं, मैं कैसे भी लगवाऊंगा, ये क्या है। देखते हैं। तो हम गाइस जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने हैं। मैडम चल रही है आगे अभी। एंट्री कहाँ करवानी है एंट्री गाइस? मैडम खड़ी हुई है, वैक्सीन लग रही है गाइस अब इसको। तो कैसा मजा आया? बढ़िया लगा। बढ़िया मजा। फाइनली इनकी वैक्सीन डन। फाइनली वैक्सीन हो गई है डन गाइस। तो अब देखते हैं किसकी हालत क्या होने वाली है। आज तो मैं से बहुत काम करवाने वाला हूँ पूरा हाल। मैं आज आराम करूँगी। आराम आराम नहीं, कोई आराम आराम की जरूरत नहीं, अच्छा काम करना है अभी। झाड़ू पोछा सब बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, अभी हॉस्पिटल में दिखवाया था इसको मैंने। तो जब हम लोग आ गए हैं घर और पता नहीं अब क्या बना के खिलाने वाली है या क्या है, चुपचाप मेरे को सोना पड़ेगा। और बज गया है अभी, देखो टाइम 3 बज रहा है और कुछ नहीं बना है। और अभी देखो कोई घर की हालत, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो घर की हालत। हाँ, कैसी है? अच्छी तो है। अच्छी क्या है, ये देखो पूरा ऑफिस है कपड़े, देखो घोड़ घोड़ टाइप का पड़ा हुआ है। अभी किचन दिखाता आपको। हाँ ये देखो, ये खाना बन रहा था, ये कैसा सब पड़ा हुआ है, ये देखो इसमें तेल ऐसे खुला छोड़ दिया इसने, जिसने लगाई है वैक्सीन। अब इसको क्या फील हो रहा है ये बताएं, क्या हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो मतलब सिर्फ ये जो एक हाथ है जहाँ पे वैक्सीन लगी है वहाँ पे हल्का सा स्टिफनेस फील हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। तो खाना बना सकते हो कि मैं बनाऊँ? बोल। आई विल मैनेज। तो क्या बन रहा है? आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी बन रही है, थोड़ी सी ग्रेवी टाइप की बनाना है जी। तो गाइस मैं बहुत दुखी हूँ। एक गाना इनके लिए, एक तारीख आई शॉपिंग ना करवाई, लिपस्टिक खत्म हो गई मोरी, मुझे ना दिलवाई, जाके काम करो मेरे को लिपस्टिक लेना है, लिपस्टिक दिलवाना चाहिए ना इनने, खत्म हो गई। देखो आज भी अभी भी लगाई नहीं है मैंने ठीक से। एक तारीख आए ये छाती चढ़ जाए, किराना लाओ
ये लाओ वो लाओ और ये मेरा सर आए। अच्छा मतलब देखो पत्नियां सिर खाती हैं इन्हें, है ना? ये कौन सा तरीका है बैठने का? तो गाइस 5 बज चुका है, इसने वैक्सीन लगाए हुए कितने घंटे हो गए? 4-5 घंटे हो चुके हैं, पता नहीं अब इसमें क्या असर हो रहा है। मेरे को धीरे धीरे ठीक नहीं लग रहा था, मतलब ये हाथ मेरा बहुत दर्द हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा ज्यादा। कुछ और ना हो जाए, मैं तेरे साथ रह सकता हूँ ना, मैं सेफ हूँ ना। एक बात बताओ, वैक्सीन मैंने लगाई है, सेफ ये क्यों नहीं रहेंगे यार? यार तू कुछ यानी हाँ, ये हो सकता है कि आपको शाम का खाना बनाना पड़ जाए यार, मैं या आपको काम करना पड़ जाए अगर मुझे कहीं मैं यानी तू चौबीस तो कुछ इस टाइप का तो नहीं बनने वाली ना, मैं सेफ होना यार। यार तेरे हाथ का पानी पीऊ कि नहीं पीऊ? मैं सेफ पी लेती हूँ, ठीक पी लू? पी ले यार, पी ले पी ले, मैं सेफ हूँ ना, मगर तेरे साथ सेफ हूँ। तो गाइस 5 घंटे हो चुके हैं, 5-6 घंटे 5-6 घंटे हो चुके हैं, तो अब देखते हैं कि और आगे इसके अंदर क्या क्या असर होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या असर होता है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, पागल हुए जा रही है कि सो गाइस अभी हम लोग ने लॉक कर दिया है घर को और अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारे यहाँ का सुपरमार्केट बहुत ऐसा बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल सा है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा है हमारे यहाँ पर, ले चलते हैं आज आपको भी हमारे साथ। तो क्या क्या लेना है? साबुदाना, साबुदाना। देख रही है तू? आलू का पापड़। चलो इमली लेना है ना? क्या नहीं दिख रहा? फल्ली दाने। मैगी एक हाथ ले ले, वैसे अपन खाते नहीं है। एक पाव का है ना? हाँ छोटा ही चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं। ये अच्छा है ना? मगर इमली, ये वाली कॉफी लेना है। मैं देखने के पैसे लग रहे अपन को यार, तू मत देखे भी नहीं ना, दिल जलाने से क्या मतलब है जो मैं नहीं दिला सकता। आप इससे ज्यादा दिला सकते हो, कंजूस मत बनो समझे। यार मैं हूँ कंजूस क्या, जो वो 5 रुपए वाले पैकेट ले ले अपने, 5 रुपए वाले 2 रुपए वाले पैकेट ले ले तू। चल 2 रुपए वाले पैकेट कहाँ हो देख। मिले? चलो गाइस मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। दो वाले नहीं है यार, 10 वाले ले लो ना। 10 वाले वो कह रहा था ना, एक पैकेट डालो और ये क्या फिर खुला छोड़ो तो फिर खराब हो जाती है। कंजूस हम लोग ने ले लिया है पूरा सामान। कहाँ है सामान? ये है, ज्यादा कुछ नहीं है, ले लिया है। अब बचा है सिर्फ क्या मतलब फल्ली दाने लेना है। फल्ली दाने बचे हुए तो मैं सामने वाली शॉप से सब फल्ली दाने लेने वाला हूँ, बस और कुछ नहीं है ना। गाइस अब मैंने ये भी ला लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। और कुछ तो नहीं लेना? तो मेरी हालत अब कैसी है अभी? अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, पर देखते हैं अभी घर जाके और क्या फील होता है। चल ठीक है, मैं तेरी हालत ठीक करता हूँ।
करोगे आप? हालत ठीक कर रही है? चल तो सही, तू तो ठीक हो जाएंगी अब तबीयत? हाँ चल थोड़ी बहुत। तो आप देखो मैं किससे इसकी तबीयत ठीक करने वाला हूँ। तो ये है वो चाट। तो ये चाट बहुत पसंद है हमारे आमले का। हम लोग खास करके यहीं गुपचुप और चाट खाने आते हैं। ये आ गया इसमें दही, ये आ गया मसाले, और ये आ गया नमक मिर्ची, और ये प्याज, और ये आ गई सेव, अभी चम्मच ये नहीं। ठीक है अब ठीक हो जाएंगे? हैं ये बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइज आपने लव मैरिज करी है ना, तो एक बात ध्यान जरूर रखना कि जब आपकी ये गर्लफ्रेंड रही होगी ना, यानी मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो तब मैं इसके साथ में एक ही प्लेट में खाया करता था। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार एक अलग अलग लेते हैं, तो क्या बोलती है, अब क्या वाला प्यार नहीं रहा, वो मज़ा नहीं रहा। तो यार ये क्या जरूरी है क्या साथ में? यार दूसरे लोग भी देखते हैं यार, इधर थोड़ा सा वो है यार, खाना ही पड़ता है भाई, खाना पड़ेगा, नहीं तो प्यार काम होने लग जाएंगे इनके लिए। चलते चलते मैडम जी को कुछ याद आया, और पता नहीं अब ये क्या ले रही है यहाँ, क्या कंटेनर्स लेना है। कंटेनर क्या होता है, हमको नहीं समझते क्या होता है। डब्बे, डब्बे लेना है, ऐसा बोलो ना सीधे सीधे। वहाँ मेडिकल पे उसने एक चीज बताई, वहाँ उनसे बोला, उनको नहीं पता था कुछ, फिर अपनी भाषा में बोलना पड़ता, डब्बे चाहिए। पहुंच गए हम लोग घर, और फाइनली मेरे पति ने कुछ तो काम किया मेरे लिए, तो काम किया। फाइनली मेरे लिए थैला उठा के लेके आए नीचे से ऊपर, सो थैंक यू। और करनी है लव मैरिज? हाँ इतने का है, वो होता क्या मिला बेटा लव मैरिज करके? हाँ ये इतने तो पहले तेरे पास में क्या रहा करते थे, इतने मेरे पास पहले गिफ्ट रहा करते थे, और अब ये है कि पोहा खत्म हो गया है तो दाल खत्म हो गई, तो चावल नहीं है तो गेहूं लाना है, तो ये खत्म हो गया है, इसी में पूरा वक्त चले जाता है मेरा। तो बेटा तुमने क्या सोचा था कि कैसी रहेंगी तुम्हारी लव मैरिज, क्या तुमको क्या सर पे बिठा लेंगे क्या? काम वाली बाई लाई है मैंने भगा के। सो गाइज आप लोगों को पता है कि मैंने वैक्सीन लगवाई है आज सुबह, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बुखार आ रहा है या मेरे को यू नो कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा बस ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा सा लेजी लेजी लग रहा है, थोड़ा सा मतलब कमजोरी टाइप का बस, और कुछ नहीं लग रहा है। तो बेचारे मेरे हस्बैंड मेरे लिए काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं आज, थैंक यू। करना ही पड़ेगा भैया, करते हैं, लेकिन हमेशा अगर मुझे जब भी ठीक नहीं लगता है या मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ ना, तो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो बन रहा है इसीलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा वैसे भी कर देते हैं मेरी हेल्प, इसीलिए मेरे को आता नहीं बनाते, अभी बताती जाएंगी, क्योंकि इसको खड़ा रखना पड़ेगा मेरे को यार, मेरा सिर नहीं दिख रहा ऊपर, इसको खड़ा रखना पड़ेगा मुझे यहाँ, कि यार भैया मेरे को बताते रहना, करूंगा तो मैं अब तू, मगर मुझे नहीं आता है। इनको आता नहीं है बनाते, बताना, रोटियां बहुत अच्छी बनाते हैं, मस्त बनाते हैं, गोल गोल, तो भी खास नहीं बनाता हूं। नहीं लेकिन अब काफी टाइम से बनाई भी नहीं है ना आप लोग ने, आप इन लोग जो पढ़ा करते थे ना, मतलब उधर भोपाल में पढ़ते थे इन लोग, तो फ्रेंड्स रहते थे, तो उस टाइम पे बना लेते थे अच्छी खासी गोल गोल रोटियां बना लेते, अब काफी टाइम से नहीं बनाई है, तो अब प्रैक्टिस नहीं है, तो हो सकता है कि अब नहीं बना पाए, है ना। तो अब हम आज बना रहे हैं टमाटर की चटनी और रोटी, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि आज बिल्कुल कुछ ऐसा हैवी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, मसाले वाला, इसलिए हम लोग नॉर्मली खाना बना रहे हैं। एंड प्लीज गाइस ये सब इग्नोर करना जो आपको ये पूरा मैस दिख रहा है, आज मैं ठीक नहीं हूँ, तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया अच्छे से। ना पोछा लगा है, झाड़ू वाड़ू तो ठीक है, ना पोछा लगा ना कुछ, आज पोछा ओछा भी नहीं लगा है, कपड़े मैंने धोना था मुझे बहुत सारे, लेकिन फिर आज हम लोग वैक्सीन के लिए चले गए, फिर उधर थोड़ा और काम था, तो वो टाइम हो गया उसमें, 3:30-4 बजे, उतने देर में तो धूप ही चले जाती है, तो इसलिए नहीं धो पाए। व्लॉग यहीं एंड करें, फिर अपन की और कुछ करने वाले, बस आप आई थिंक यहाँ पर एंड कर देना चाहिए, और
अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा गाइस, बाकी अपडेट आपको कल पता चल जाएंगी। हाँ। कि कल इसको कैसा लगता है वैक्सीन लगा। मैं अपने रील्स में तो शेयर कर ही देती हूँ। अगर आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता है तो हमारे इंस्टाग्राम का नाम है प्रणाली म्यूजिक। आप वहाँ पर जाके भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हो क्योंकि हम लोग वहाँ पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग यहाँ तक आपने देख लिया है और आपको पसंद आया है गाइस, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर इस वीडियो में उसको कुछ दबा देना, उसको टर्न द ब्लैक थंब टू द ब्लू। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है गाइस तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और इस ब्लॉग में अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो वो हमको जरूर कमेंट बताना। एंड आप लोग नेक्स्ट वीडियो हमारे ब्लॉग में और क्या देखना चाहते हो, आपके पास अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर जरूर से लिखना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड लव यू ऑल। बाय बाय।